हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ अपने बगिया में लगे हुए बैगन। और जो बैगन हमने लगा रखे हैं उनको तोड़ेंगे और उनमें से एक बैगन को मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि आखिरकार कच्चे बैगन का टेस्ट कैसा होता है। तो ये जो आप बैगन के पौधे देख रहे हैं, ये मैंने 2020 में जुलाई में उगाए थे और उसके बाद से हम लोग कई बार इसमें से काफ़ी सारे बैगन को तोड़ के ऑलरेडी खा चुके हैं। और कई बार तो ऐसे मौके आए हैं कि जो बंदर हैं उन्होंने काफ़ी सारी दावतें उड़ाई हैं इसमें से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पेड़ पे लगे हुए बैगन को तोड़ते हैं। हमारा पहला बैगन काफ़ी बड़ा हो गया है ये, और देखिए इसका कलर कितना डार्क पर्पल हो गया है। तो तोड़ते हैं इसको यहाँ से। ये पहला बैगन आ गया हमारा और ये तीन बैगन एक साथ लगे हुए हैं उसमें, और इसमें ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है साइज़ का, इसको भी तोड़ लेते हैं। बाकी ये थोड़े छोटे हैं अभी, और ये भी थोड़ा छोटा है, ये भी छोटे छोटे ही लगे हुए हैं अभी। इसमें चार बैगन यहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए ये वाला बैगन तो बिल्कुल जड़ पर लगा हुआ है, देखिए बिल्कुल जड़ पर लगा हुआ है ये। और ये जो मैंने कट की थी एक बार बैगन को तोड़ने के बाद, जो मैंने कटिंग की थी, तो कटिंग से जो नई टहनी निकली है इसमें, उसमें लगा हुआ था ये, देखिए। और एक बैगन यहाँ पर लगा हुआ है, इसको भी तोड़ लेते। तो चलिए अब थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ आपको। एक बैगन यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए काफ़ी बड़ा साइज़ का हो गया ये भी। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, जितना मार्केट में आते हैं गोल गोल उतने बड़े तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल साइज़ है ये। ज़्यादा बड़े होता है ये बैगन तो इसमें बीज पड़ जाते हैं अंदर, तो फिर बैगन का टेस्ट नहीं रहता अच्छा। देखिए अब एक बैगन लगभग यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए ये रहा एक बैगन यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिए ये तो लगभग अपने आप ही टूट गया ऑलरेडी। देखिए इस बैगन का तो वज़न इतना बढ़ गया था कि वज़न की वजह से अपने आप ही झुक गया था और ये टूट भी गया है। देखो ये देख पा रहे हैं आप। तो देखिए ये मैंने लगभग यहाँ से चार तीन सात सात बैगन हमने तोड़ लिए हैं, और एक बैगन जो है अलग वैरायटी का है, वो अदर लगा हुआ है। देखिए आइए इसको तोड़ते हैं यहाँ से। देखिए ये बैगन लगा हुआ है, ये गोल है बिल्कुल, देखिए इसके हिसाब से काफ़ी छोटा है। और मैंने देखा है ये बैगन जैसे अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो इसमें अंदर बीज पड़ जाते हैं और ये ऑलरेडी फट जाता है। तो इसको तोड़ लेते हैं यहाँ से। और देखिए यहाँ पर भी आप देखोगे नए नए बैगन लगभग बन चुके हैं, और कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर ये भी पूरा तैयार हो जाएगा टूटने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों और एक कच्चे बैगन का करते हैं टेस्ट और देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। पाउस बैगन के लिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा छोटा बैगन तोड़ के देखता हूँ। चलिए और हम पहले इसको धोएंगे और फिर इसका करेंगे टेस्ट। देखिए जो कोरोना चल रहा है तो चीज़ों को आप धोकर इस्तेमाल करें, तो पहले हम सबसे पहले इसको धोएंगे और फिर करेंगे इसका टेस्ट, और मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरकार इसका कच्चे बैगन का टेस्ट कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों धोते हैं इसको। पहले बैगन को हमने धो लिया है और इसका टेस्ट करते हैं। और भाई मैं तो इसको पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ कच्चे बैगन का। हालाँकि हम लोग जो है आलू बैगन की सब्ज़ी और बैगन का भरता बहुत खाते हैं, तो लगभग जब से बैगन लगाए भाई हमें तो मोस्टली 15 से 20 दिन में इतने बैगन हमारे निकल आते हैं पेट से, तो कोई दिक्कत नहीं होती। मार्केट से हम बहुत ही कम खरीदते हैं, तो कच्चे बैगन का टेस्ट मैंने कभी नहीं किया। तो कच्चे बैगन का टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा इसका टेस्ट है। कच्चा बैगन तो भाई ठीक ठाक ही लग रहा है, मैंने पढ़ा है काफ़ी कसैला लगता है, अजीब सा टेस्ट आता है, लेकिन ये तो ठीक ही लग रहा है मुझे। काफ़ी मीठा सा लग रहा है ये। देखो तो इसमें ये बीज पड़ गए थे, अभी कच्चा ही है ये, छोटे 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 बीज हैं इसमें। देखिए काफ़ी बढ़िया टेस्ट है, जैसा उसमें लिखा हुआ है कच्चे कसीला टेस्ट होता है, वैसा तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मुझे इसके अंदर मिठास भी आ रही है, सही बताऊं तो मैं कड़वा जैसा तो मुझे इसमें कुछ नहीं लग रहा। तो बस मैं बीज रह गए हैं। तो दोस्तों अब हम इसको पकाएंगे और पकाने के बाद बनेगा बैगन का भरता या आलू बैगन की सब्ज़ी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाइए, खुद भी देखिए और दोस्तों को भी दिखाइए वीडियो को, और बेल आइकन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको न्यू का आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए।